Welcome. My next lecture for the topic of methods of querying. In the last lecture, we had studied the first method of querying, which was querying with the hand tools. Now the second is querying with channeling machines. फर्स्ट मेथड को ओवरकम कर रहे हैं हम लोग विद द यूज ऑफ चैनलिंग मशीन्स. इट मीन्स जब हम हैंड टूल्स यूज करेंगे वो प्रोसेस थोड़ा सा हमारा लेंथी होता है, क्यूबरसम होता है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है. तो उसको ओवरकम करने के लिए विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे हैव प्रोवाइडेड अस ए नंबर ऑफ मशीन्स. इसी तरीके से उन्होंने हमें एक मशीन दी जिसको हम चैनलिंग मशीन बोलते हैं. इस मशीन में दे हैड यूज्ड द इलेक्ट्रिक मोटर्स और न्यूमेटिक मोटर्स. विद द हेल्प ऑफ दोज इलेक्ट्रिक मोटर्स और न्यूमेटिक मोटर्स ड्रिवन बाय स्टीम और कंप्रेस्ड एयर और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द वर्टिकल और ओब्लिक ग्रूव्स हैड बीन provided in the rock surface, rock area or selected site. इस मशीन को हम इस साइट पर लेकर के जाते हैं. ये मशीन मैकेनिकली ऑपरेटेड है. हम इसमें क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे होल्स करते हैं ताकि उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाए. देन हम मशीन वहां तक लेकर के जाते हैं. ये मशीन 24 मीटर्स तक जा सकती है एक पॉइंट से, यानी इतना बड़ा पत्थर काट सकती है बाय लेंथ वाइज. इसमें ब्लेड लगा होता है, हैमर्स लगे होते हैं. देन विड्थ, ये जो विड्थ है दिस इज 50 to 75 mm, और आज की डेट में तो ये जो है इवन 200 mm तक भी अवेलेबल है. एंड देन डेप्थ कहां तक जाएगी, 2.4 मीटर से लेकर के 3.7 मीटर तक. ये क्या करते हैं, इसमें दो ब्लेड्स हैं, एक ब्लेड वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड जा रहा है, दूसरा ब्लेड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रॉम पॉइंट ए टू बी या बी टू ए जा रहा है. टू ब्लेड्स आर रनिंग जस्ट लाइक दिस. यहां पर एक ब्लेड लगा है जो उसको वर्टिकल प्लेन में काट रहा है, यहां एक ब्लेड लगा है जो उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में काट रहा है, और इस तरीके से पूरे का पूरा जो रॉक पार्ट है वो हम कटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज चैनलिंग मशीन्स. इसीलिए इसको चैनलिंग इसीलिए बोला है कि इसमें ड्रेन टाइप बन जाती है. मशीन को पहले यूज किया, फिर ऐसे ऐसे हम इसको यूज करते जाते हैं. दिस इज यूज स्टेप बाय स्टेप, एकदम से बिल्कुल डीप यूज नहीं कर सकते. दिस इज इसका यूज करने का तरीका. ये जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, से इट इज द सर्फेस, अगर इस सर्फेस के ऊपर हम इसको यूज कर रहे हैं, तो अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन की बात करूँ तो इस क्रॉस सेक्शन में दिस इज टू बी समथिंग लाइक दिस. ये आपको ऐसा दिखेगा, ऊपर का सर्फेस ये है, इसको काट के अलग कर रहे हैं. फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे पास सरफेस अवेलेबल है, फिर हम इस सरफेस को काटेंगे, ये काट लिया हमने, फिर ये सरफेस, ये प्लेन एरिया, इस एरिया को निकाल करके हमने बाहर कर लिया, यहां से तो ले गए हम जो हमने क्वेरी करना था स्टोन्स को. देन नेक्स्ट वी डिग इट आउट, फिर हम इसको इसको कट करते हैं. देन वी कट इट आउट, इस तरीके से स्टेप बनते रहते हैं हमारे पास. दीज स्टेप फॉर्मेशन इज देयर, और वो स्टेप फॉर्मेशन में धीरे धीरे ये कटिंग हम इस मशीन के थ्रू, चैनलिंग मशीन के थ्रू करते रहते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड मेथड विच इज क्वेरिंग विद द चैनलिंग मशीन. थैंक यू.